फैमिली कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छी होंगी। आप सब की दुआ से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अगेन हम दोबारा से आ चुके हैं आपसे इस्लाम दुआ करने के लिए, व्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भी थोड़ा थोड़ा शूट करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट होगा तो ही कुछ शूट होगा। मुझे समझ में नहीं आता इसे कैसे शूट करूँ। पहले इस्लाम दुआ से स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ ना कुछ शूट करते हैं। आज मैंने सारे काम कर लिए, उसके बाद मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाती हूँ व्लॉग के लिए। फिर मुझे ये होता है कि चलें बच्चे आने वाले हैं, ये करना है वो करना। आज मैंने भरपूर नींद पूरी की है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साहब बच्चों के जाने के बाद नींद पूरी करी है। अब उठ के बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है कि वो आएंगे ब्रेकफास्ट लंच उनका सेम ही हो जाता है सुबह। वो अंडे बॉयल हो ब्रेड, हाँ कहीं कभी मिल्क ले लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, इस तरह का ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो समझे वो जब आते हैं, जब उनके लिए पराठे बनते हैं वो खाते हैं पराठे। तो चलें किचन में चलते हैं, मैं आज कुछ अपने लिए बनाऊंगी। मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कोई डाइट का ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं बना है। आज मेरा ये प्लान है कि मैं कढ़ाई भी रखी हुई है मेरे पास, बॉयल राइस भी रखे हुए हैं, तो मैंने कहा ऐसे नहीं खाने में आएंगे, दो दिन हो गए सालन को रखे हुए, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा मसाला बना के और चिकन डाल देती हूँ उसके अंदर, चावल डाल के और बिरयानी का बना लेती हूँ, तो सही होगा। तस्नीम भाजी आएंगी वो भी खा लेंगी, साहब भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी और साथ में भिंडी बना देंगे। भिंडी में अभी कटिंग करती हूँ, तो चले किचन में मिलते हैं फिर आपसे। यार एक प्याज किया है मीडियम साइज़ का, उसको फ्राई कर लिया, उसमें टमाटर और मैंने हरी मिर्च काट के रख लिए, और ये कढ़ाई का मसाला रखा हुआ था मेरे पास, थोड़े से उबले हुए चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मसाला बना के और इसको बिरयानी का थोड़ा सा और स्पाइस दे के और ऊपर चावल डाल देती हूँ, इस तरह खाने में आ जाएंगे। जो दिन कढ़ाई बनाई थी वो बच गई थी थोड़ी सी, तो ऐसे कर लेते हैं, अच्छी सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। इसका मसाला बना लिया मैंने, और बस थोड़ी सी टमाटर गल जाए फिर इसमें हम ये वाला सारा स्पाइस डालते हैं। राइस भी रखी हुई थी मेरे पास बॉयल, तो मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ, क्यों चीज़ों को ज़ाया करें हम। ये देखिए बिरयानी हो गई है रेडी, मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने कहा इसी को दिखा देती हूँ कि उस मसाला तैयार करके मैंने वही चावल डाल दिए थे। ये देखिए ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है, क्यों चावल को ज़ाया करें, इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, तो मैंने कहा क्यों चिकन को राइस को ज़ाया करूँ। देखें खाना बन चुका है, इसमें साहब भी खा लेंगे, तस्लीम भाजी में हम सब खा लेंगे, और अगर साहब नहीं खाएंगे तो उनके लिए भिंडी बना लेंगी। क्या कह रहे हो? हम बोलोर बना रहे हैं, तो तालम बना। दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। बस ये आपकी मंडे से लेके फ्राइडे यही रूटीन होती है, स्कूल जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर स्कूल जाते हो। स्कूल से आने के बाद क्या करती हैं आप? खाना खाते हैं। खाना खाते हैं फिर क्या करोगी? खेलना फजर में उठती हो, रात में सोती हो? क्यों कल छुट्टी क्यों नहीं? ऐसी मजाक करी है, छुट्टी करनी नहीं है। नहीं अच्छे बच्चे छुट्टी नहीं कहते, बच्चे करते। मेरी बेटी नया तो नहीं, एक साल हो गया। ये आपका दुपट्टा देखो वो कहाँ है सरार के पास, वो डांस कर रहे। जल्दी आओ खाने के टाइम ऐसे नहीं करते, ये बहुत शरारती है, ये बहुत मस्तियाँ करता है। चलो अब बैठो, आप जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। नाश्ता तो नहीं है, लंच है आप लोगों का ना, नाश्ता तो आप सुबह करके गई हो।
जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर। लंच भी हो चुका है, बच्चे मदरसे भी चले गए हैं। तो मैंने कहा बच्चे मदरसे से आते हैं उसके बाद में उनको ट्यूशन भेज के आराम से आप लोगों को ड्रेसेस सिखाऊंगी जो मैं कल लेकर आई थी, जो मैंने शॉपिंग की थी। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर से दी हैं बनने के लिए, जो मैं डेकोरेट वाली शॉप पे गई थी, जो डेकोर का सामान था वहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर दिया है। उसमें टाइम लगेगा, कम से कम एक महीना लगेगा आने में। तो चलें जो लाई हूँ वो दिखाती हूँ। आज जो मैं अनस्टिच लाई हूँ वो दिखाती हूँ। मेरे कुछ कपड़े गए हुए थे सिलने के लिए टेलर के पास, वो भी आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टिच की उन्होंने, तो आपको कल वो भी दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में मैं आपको ये ड्रेसेस दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। और हाँ, एथनिक पे सेल लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है, और जो उसका फैक्ट्री आउटलेट है सदर में ATM मॉल है उसके अंदर है, आप ज़रूर जाइए देखिए। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त ये मैं सामान लाई थी जो मैंने अभी तक खोल के ख़ुद भी नहीं देखा है। मैंने कहा आप लोगों के साथ ही देख लूँगी क्या क्या लेके आई हूँ, और राहिल को भी नहीं दिखाया है, तो आज ये शाम में आएंगे तो इन्हें दिखाऊंगी। इन्हें मैं ओपन करती हूँ। तो देखिए एक ये सूट था, ये बहुत खूबसूरत सूट है, मुझे बहुत पसंद आया था ये भी। तो ये देखिए इस तरीके से है, ये बहुत अच्छा, ये मुझे सेल में से मिला है। और ये सूट बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये सूट भी बहुत अच्छा है, मैंने इसमें कुछ अपने लिए लिए हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ये भी मैंने अपने लिए लिया है, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। और एक मैंने ये भी अपने लिए लिया है, दिखाती हूँ इसमें शर्ट, ये देखिए इसके भी पूरे दुपट्टे पे काम हुआ हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके भी पूरे दुपट्टे पे काम है, इसकी स्लीव्स के ऊपर काम है, और इसकी नेक लाइन पे जैसे नेक बना हुआ है सारे ही सामने नज़र आ रहा है। और एक ये सूट मैंने लिया है, इसमें कुछ गिफ्ट देने के हैं जो 3 सूट हैं बस मेरे हैं, बाकी मेरे साहब के कुछ दोस्तों के घर शादी। सारे सूट बहुत अच्छे थे, वो वहाँ पे जो आउटलेट के ऊपर लड़की थी वो मुझे कह रही हैं कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, आपने सारे इतने अच्छे ड्रेसेस निकाले हैं, और मुझे आपकी ड्रेस आपका बहुत पसंद आया कि आप इतनी अच्छी ड्रेस दे रही हैं। तो उसमें जो मैंने लिया ना इस तरह ये वाला सूट, नहीं ये वाला था, उन्होंने भी सेम यही सूट लिया कि मैं भी ये सूट लूँगी, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े वाला सूट है ये। तो बस ये ड्रेसेस मैंने लिए थे। अभी शादियां बहुत हैं दिसंबर में, तो मैंने कहा चले सेल लगी हुई है तो मैं देख लेती हूँ, कुछ देना लेना भी होता है। मेरे साहब के ऑफिस की फ्रेंड्स की भी बहुत सारी शादियों में हमें इनवाइटेड हैं, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो अभी मैं देखें एथनिक पे जाऊँगी, एथनिक के ATM आउटलेट फैक्ट्री आउटलेट पे जाऊँगी, उधर तो और भी अच्छी सेल लगी हुई है, तो बस वहाँ जाएंगे, आप लोग भी देखिएगा वहाँ जाके। देखिए आपने मेरे सारे ड्रेसेस मैं कैसी लाई हूँ, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आए होंगे, आप लोग भी जाएँ। लेकिन अब सेल नहीं है, सेल में से मुझे 3 सूट मिले हैं या 2, नहीं 2, हाँ 3 सूट मिले हैं, और फिर सेल नहीं थी तो बस मुझे पसंद आ गए थे, मैंने ले ही लिए। और मेरे जो काफ़ी सूट रखे हुए हैं ये रखूँगी, फिर बाद में कभी सिलवाने होंगे बनवा लेंगे, घर में चीज़ रखी हुई होनी चाहिए। और एथनिक जाना है, मैंने भी जाना है एथनिक, एथनिक के ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, एथनिक आउटलेट बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही, पर्सनली बता रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है प्रमोशन करने का, बट ये था कि मुझे खुद के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो खरीद के लाती हूँ आप मुझे दिखाती हूँ। अगर एथनिक पे गई अगर कोई भी, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए लिया है जो UK से आई हैं, तो मैं उनको दूंगी। ये जीनी चुका बैग है मुझे, जो कि बहुत पसंद आया था, मैंने कहा वो मुझसे मिलने आएंगी, आज कौन का है मुझसे मिलने आने का, तो वो आएंगे तो उन्हें गिफ्ट करेंगी। ये इसका पैक था, मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाया है। आ चुकी हूँ, मैंने कहा चलें बच्चों के आने से पहले, हंगामा होने से पहले पहले मैं अपने काम कर लेती हूँ, वरना बच्चे इतना उलझा लेते हैं अपने अंदर। तो बस आई 5 भिंडी बनाएंगे क्योंकि साहब के लिए बनानी है, मेरे लिए तो ऑलमोस्ट मैं तो ये भी खा लूँगी, रात में बिरयानी इतनी से बच गई है, तो इसी को फिनिश करेंगे। प्याज कटिंग करते हैं, और आज बिल्कुल फ्राई की हुई भिंडी बनाऊँगी, ये हरी मिर्च भी बारीक काट के इसमें डाल देते हैं, स्टार्ट लेते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम माय बेबी पॉला, बेबी आ गया मेरा।
स्लिप ऊपर रखो। आ गई आप, आओ अंदर आओ। हाँ सब मंगवा के देते हैं, आपकी मदरसे की टोपी ये रही। हाँ चलो अंदर रखो इसे। आप कहाँ जा रहे हैं? बॉटल टूट जाएगी बेटा, ना करो ऐसे। स्कूल की बॉटल है, आप कूलर में से पिए पानी, इसमें से पियोगे। सलाम कर कर दो सबको, प्यारी से ऐसी कर दो सबको। आपसे ब्लॉग का एंड लेने आई हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया, होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, इसी तरह से लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और लाइक और बेल का बटन दबा दीजिए। जो थोड़ा बहुत बनाया आप उनसे शेयर किया, थोड़ा थोड़ा शूट कर दी गई आप उनसे शेयर कर दी गई, तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉगों के साथ। खुश रहिए, प्यार बांटिए, और सबसे मिलजुल के रहिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।